छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे के सितारों के जुबान पर इस वक्त एक ही बात है, #MeToo। इस मुद्दे पर हर कोई खुलकर बोल रहा है, फिर वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की, क्योंकि इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अत्याचार सहा है। तो वहीं अब #MeToo के चलते डॉली बिंद्रा ने भी ट्वीट के जरिए अपना दर्द जाहिर किया है और डॉली बिंद्रा ने किसी पुरुष पर नहीं बल्कि राधे माँ पर आरोप लगाए हैं। डॉली कहती है कि राधे माँ ने एक बार मुझे किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा था, इसके लिए रिपोर्ट कराई मैंने, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। डॉली ने आगे कहा कि इस मामले पर मैंने CM और PM को भी पत्र लिखा था, लेकिन आज तक मेरी शिकायत अनसुनी है और दोषी आराम से धर्म के नाम पर पुलिस के संरक्षण से गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडस्ट्री में कई ऐसी महिला हैं जो इस दर्द से गुजर चुकी हैं, लेकिन वो आवाज उठाने में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, अब जिस तरह से #MeToo कैंपेन शुरू हुआ है, इससे एक उम्मीद जागती है कि शायद अब इंडस्ट्री में ये यौन उत्पीड़न खत्म हो जाएगा। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।